रेवाड़ी में आजाद चौक स्थित बिलबेरी होटल में समाज को संगठित करने के लिए पंजाबी बिरादरी की ओर से पंजाबी स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पंजाबी समाज से आए हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और राजनीति में हिस्सेदारी की पुरजोर मांग उठाई। प्रधान प्रेमनाथ गेरा की अध्यक्षता में आयोजित इस महापंचायत में रेवाड़ी शहर से पंजाबी समाज से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रधान प्रेमनाथ गेरा, वक्ता केशव चौधरी, दिनेश कपूर, नंदलाल ढींगरा आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में बैठे कुछ ठेकेदारों ने समाज को बांटने का काम किया है, लेकिन समाज के लोग उनकी मंशा को कभी पूरी नहीं होने देंगे। हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले में 32,000 से अधिक पंजाबी समाज के लोग रहते हैं, जो किसी भी पार्टी को जिताने का नहीं तो हराने का आमादा जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी इतनी अधिक संख्या है, लेकिन राजनीति में भागीदारी ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में समाज को संगठित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन पंजाबी समाज को अपनी नफरी के आधार पर राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है और ना ही किसी के खिलाफ है। उन्हें तो बस अपने समाज को एकजुट रखते हुए राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य यही है कि समाज को एकजुट कैसे किया जाए। अगर समाज एकजुट रहेगा तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें उनके आगे पीछे घूमेंगी। उन्होंने कहा कि हर समाज में कोई ना कोई ठेकेदार होते हैं जो समाज को बदनाम करने का ठेका लेते हैं। उनके समाज में भी कुछ ठेकेदार हैं जो समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन समाज में बिखराव ना हो और संगठित रहे, इसलिए पंजाबी बिरादरी की ओर से ये पंचायत बुलाई गई है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो सभी मीडिया प्रभारी जो आए हैं उनका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाबी समाज को सिर्फ संगठित करने का जो आज मीटिंग थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी का विचार रखने की थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ताकि समाज एक हो और एक होकर एकता में पलो। हमारा मेन मकसद यही था कि समाज इकट्ठा हो, एक मंच पर आए और जो समाज बिखरा हुआ है उनको इकट्ठा करना है। और अगर हम इकट्ठा करेंगे तो राजनीतिक पार्टियां भी हमारे पीछे पीछे घूमेंगी। हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे, या कोई और भी जो भी मकसद होगा, एकता में बल होता है हमारे पीछे पीछे। ये था हमारा मकसद। एक अभी बात वो ऐसा था कि कई लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी पता है कि समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। 36 बिरादरी में, किसी बिरादरी में भी चले जाओ, चाहे आप जाटों में चले जाओ, यादों में चले जाओ और कास्ट में चले जाओ, सब तरह के लोग होते हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमने सिर्फ समाज को इकट्ठा करना है और एक झंडे के नीचे बैठाना है। हमारा मकसद ये था। कोई अगर गलत काम करता है वो भुगतेगा, भगवान उसे सजा देगा। कुछ चेहरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम भी देख रहे थे, काफ़ी संख्या में है, ये अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, लेकिन काफ़ी चेहरे नहीं है, उसको किस तरह से देखते हैं? हमने सिर्फ आज 100 लोग बुलाए। हमने मंडे को एक मीटिंग दी थी पंजाबी धर्मशाला में, कि पहले हम 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमने किसी ग्रुप पर मैसेज नहीं डाला, ना किसी के पास ये कहा कि भी तुम आओ। अभी यहाँ पे राजनीतिक अधिकार की बात हो रही थी, आप क्या चाहते हैं महिला के नाते, आप क्या सोचते हैं? मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी सारे पंजाबी के वो अधिकार दिए जाए, हमारा पंजाबी मन सारा संगठित हो, सारे मिलकर काम करें, चाहे वो कोई भी हो, पंजाबी है, किसी भी कास्ट का है, हम बिल्कुल पंजाबी लिखना चाहते हैं और हमारे को ये मान सम्मान मिलना चाहिए पंजाबी का, और हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष आपको दे दी बीजेपी ने, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? हम ये ठीक है, जिला अध्यक्ष दे दी आपने, लेकिन हम उस समय वो भाजपा पार्टी की थी, हम इसमें सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने भाजपा का कोई प्रोग्राम नहीं करा। नहीं, मकसद क्या है संगठन करने का? मकसद होता है ना, मकसद ये है कि हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे 32,000 वोट है, हम एक पार्टी को वोट देंगे ना, हम जिस पार्टी को बना सकते हैं उसको हटा भी सकते हैं। 32,000 एक कोई छोटी पावर नहीं है, बहुत बड़ी पावर है, हम इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं 32,000। पंजाबी जो भवन है उसकी भी बात करी कि कुछ लोग वहाँ पे वो कार्यक्रम वहाँ होने चाहिए, क्या मकसद क्या था कहने का? अमित जी, हमारे बिरादरी की बात अगर हम बिरादरी में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, किसके सामने कहेंगे? अपना दुख दर्द अगर आप नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। पिछले ठेकेदारों ने जो पंजाबी समाज को बेचा था, अब इस पंजाबी समाज को किसी भी हालत में बिगड़े नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बिगड़े देंगे। और आज आप ये नफरी आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से बिलावे का नतीजा है अमित जी। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभी हम दोबारा जब 11 आदमी का हम कमेटी बना लेंगे तो रेवाड़ी विधानसभा के जितने भी पंजाबी हैं उनका एक विशाल
आप उस समय आप देखिएगा नफरी देखिएगा। हमने लोगों के लिए काम करा है, प्रेमनाथ गहरा जी ने काम करा। आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि पंजाबी कभी हाथ नहीं फैलाता, पंजाबी जब लगता है उसका तन मन और धन के साथ लगता है। आपने ठेकेदारों की बात की, लोग आप पर क्यों विश्वास करें, उसी समाज के लोग, कि आप ठेकेदार नहीं बन जाएंगे? देखिए 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 उसका फर्क है। हमने कभी भी हमारे पर कोई भी समाज का आदमी हमारे पे लांछन नहीं लगा सकता। कोरोना काल की बात हो, सब आपने सब लोगों ने देखा है, हमने समाज के लिए ठेकेदारी करी है तो उसका उसका तन मन धन से उसके साथ रहे, चाहे प्रेमनाथ गहरा जी हो चाहे हमारे पंजाबी बिरादरी। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं दोबारा आपकी बात कब कह रहा हूँ, मुझे कहने से कुछ गुरेज नहीं है।